डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज जो क्लास फोर का जो है मैं चैप्टर नंबर फाइव मल्टीप्लिकेशन गुड़ा आपका चल रहा है, और इसलिए जो है आपको हमने पिछले वीडियो में एसएस सोर्स सेल 5.2 करा दिया था, और इसमें मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 एंड मल्टीपल के बारे में आपको बताया गया था। और आज जो है हम टेस्ट नंबर 41 पर आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय थ्री डिजिट नंबर्स, यानी तीन संख्याओं का गुणा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय थ्री डिजिट नंबर्स यानी तीन संख्याओं से गुणा करना जो है हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं क्लास थर्ड, वी हैव लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट नंबर्स। कक्षा तीन में जो है इससे पहले क्लास थर्ड में हमने दो संख्याओं का गुणा सीख लिया है हम लोग कैसे किया जाता है, और नाउ इस लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई बाई, और आज जो है अब जो है हम आज मल्टीप्लाई बाई थ्री डिजिट नंबर्स इसको सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाई थ्री डिजिट नंबर्स को सीखेंगे। चलिए, तो इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन बाई थ्री डिजिट नंबर इज कैरिंग आउट थ्री स्टेप्स, इसमें जो है आपको तीन स्टेप में करने होते हैं इसको। इसलिए एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल का ही एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका इसमें पेज नंबर 41 पर, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई बाई लिखा है, यहाँ भी हो गया मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू टी आई टी वाई मल्टीप्लाई 247 बाई इसके द्वारा 134 क्वेश्चन है, यानी मल्टीप्लाई 2047 बाई 134 यानी 247 को जो है हमको 247 को 134 से गुणा करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपका हो जाएगा, देखेंगे इसको हम 247 मल्टीप्लाई 130 इस तरह से लिख लेंगे। और अब देखेंगे हम, सबसे पहले आप देखेंगे कि स्टेप वन में मल्टीप्लाई 247 बाई 4 months। ठीक है, इसको जो है 247 को सबसे पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 247 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। चलिए 4 से करते हैं, तो 4 से बन जाएगा आपका 28, 4 से बन जाए 28 को 8 लिखेंगे आपका कैंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 4 जा आपका होगा 16, 2 आपका हो जाएगा 18, 4 जा 16 और 10 2 है 16 और 2 आपका हो जाएगा 18 को मिलेंगे ए, कैरी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 4 जा 8 और 10 18 9 988। फर्स्ट स्टेप में यानी 247 में 247 में जो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 988। अब सेकेंड स्टेप चलेंगे, सेकेंड स्टेप में आप ध्यान रखेंगे कि इसको जो है रीग्रुप वंस एंड टेंस एंड डिटेल इस तरह से करते हुए हम इसको एक स्टेप छोड़कर लिखते हैं, एक स्थान जो है यहाँ से एक जो है छोड़ करके लिखते हैं, तो यहाँ हमारा छोड़ देंगे। तो अब इसी को सेकेंड स्टेप में 247 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 से बन जाए कितना होगा, 3 से बन जाए 21, हम जो है 1 प्लेस को छोड़ देंगे यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, बार बार जितना आएगा उतना हम छोड़ते चले जाएंगे, क्या करना, ठीक है, स्टेप में एक एक स्थान को छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3 से बन जाए 21, 21 को हम 1 लिखेंगे, अब कैरी आपका कितना जाएगा 2, फिर 3 4 जा 12 और 2 आपका 14 को 4 लिखेंगे, कैरी आपका 1, फिर 3 2 जा 6 और कैरी आपका 1 7, यानी 741, ये हमारा कितना आया 741। यहाँ हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या हम इसको शून्य भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई अंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो इसको हम शून्य भी लिख सकते हैं, बुक में आपको शून्य लिखा हुआ है तो यहाँ हम शून्य भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद अब हम आगे चलेंगे। ये हमारा 2 स्टेप हो गया, एक बार हमने 247 4 से किया तो हमारा 988 आया, फिर 247 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 741 आया। ये आप नहीं लिखेंगे, ये 7000 निकाला आपको, यहाँ पे आपको कोई अंक नहीं, इसलिए हम इसको बाद में लिखेंगे, पहले इतना आया। इसके बाद जो है अब इसी को जो है कौन से करेंगे 247 को, तो फिर यहाँ से अंक हम जो है लेफ्ट हो जाएगा छोड़ जाएगा, आप यहाँ चलेंगे तो 177 और 144 और 247, ठीक है। अब क्या करते हैं तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर हम शून्य लिख सकते हैं और यहाँ पर कोई नहीं शून्य लिखेंगे और यहाँ पर कोई नहीं शून्य लिख सकते हैं, ठीक है। शून्य या क्रास, क्रास भी कर सकते हैं, क्रास करेंगे तो बता देगा शून्य वाले जो है आप भूल जाए, समझ जाएंगे ये पूरा साथ में है, 7000 बोल देंगे इसे, ठीक है। तो क्रास कर देंगे आपको शून्य, शून्य भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐड करेंगे तो 8 और 81 आपका 9, 94, 94 13, 13 और 7 20, 20 लिखेंगे शून्य, कैरी आपका 2, 74 आपका 11, 11 टू 13, 13 को लिखेंगे कैरी आपका हो जाएगा 1, उसके बाद 2 और 1, ठीक है। यानी जैसे 1,10,100,10,000 आप कहेंगे 33,098 आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो था मल्टीप्लीकेशन बाय 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। अब जो है इसके बाद इसमें एक एग्जांपल और दिया हुआ है, आप देख लेंगे बुक में से, एग्जांपल पेज नंबर 21 पे आप बुक में से देख लेंगे। यहाँ लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 860 एंड 203, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया गया वैसे ही इसको भी करेंगे, ठीक। और आइए चलते हैं एसेस योरसेल्फ की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, एसेस योरसेल्फ 5.3। ठीक है,
टेन बन जाए आपका टेन होगा, ठीक है, और टेन बन जाए टेन होगा आपकी जीरो हो जाएगी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बच्चों समझ आ गया, यहाँ से फाइव मल्टीप्लाई टू करेंगे मल्टीप्लाई 1000, तो आपका फाइव टू जाए टेन और 1000 मल्टीप्लाई 1000, और यहाँ से टेन टू बन जा टेन का मल्टीप्लाई टेन बन जाए टेन और 30 है 30, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं फाइव को टू से मल्टीप्लाई करके फाइव टू जाए टेन हो जाएगा, टेन के बाद 1 2 3 1 2 3 0 लगा देंगे आपका हो जाएगा मल्टीपल अंकों का गुणा करने के बाद डिजिट का बीच में करने के बाद जितने 0 है 0 लगा, ठीक है बच्चों। ये सब करने का कर लीजिएगा इसको, और इसके बाद जो है इस तरह से इसमें ऐसे ही सब क्वेश्चन है आप लगभग कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल जितना अंक दिया हुआ है अंक का गुणा करने के बाद जो है जितने 0 बचेंगे उतने 0 लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक बच्चों। इसको चलिए बी में हम देखते हैं मल्टीप्लाई बी उमर रूप में कहीं जाएगा नहीं आया आपको बताया जाएगा, बी है आपका मल्टीप्लाई 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 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बी में फर्स्ट है पूरा करना आपको फर्स्ट देखिए 183 मल्टीप्लाई 200, ठीक है। इसके बाद जो है चलिए हमने बताया था आपको कि सबसे पहले 183 में हम 4 सप्लाई करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, इकाई तरफ से तो 4 3 जा 12 लिखेंगे कैरी 1, फिर 4 8 जा 32 और 1 33 को 3 लिखेंगे कैरी आपका 3, 4 1 जा 4 और 3 ऐड करेंगे 4 3 7, ठीक है। अब 0 को सुधार करेंगे 1 + 4 के आस बताया गया है 1 + 4 देंगे तो 0 से किसी की संख्या सुधार करेंगे तो आपका 0 आ जाता है, 0 प्रॉपर्टी बताया गया है ध्यान दीजिए 0 प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी बताया गया है, तो 0 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा 0, तो आपके आंसर देंगे 0 0 0, ठीक है। 0 से 3 करेंगे 0, 0 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से 1 करेंगे 0, 1 + 4 छोड़ दिया, फिर यहाँ से थर्ड नंबर 2 है 2 3 जा 6 यहाँ पर छोड़ देंगे यहाँ 6 लिख देंगे 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16 को 6 लिखेंगे कैरी 1 हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1, और इसको जो हम ऐड करेंगे बच्चों, और यहाँ पर हम शून्य लिख सकते हैं क्योंकि कोई अंक नहीं है तो यहाँ से हम शून्य लिख सकते हैं, ठीक है। ऐड करने बता दें कि 0 बिल्कुल 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 7 6 13 3 कैरी 1 और 6 और 1 आपका 7, इस तरह से आप कर लेंगे इसको, ठीक है। दोबारा और देखिए फिर से 4 3 जा 12 लिखेंगे कैरी 1, 4 8 जा 32 कैरी 1 आपका था 32 और 33 को 3 लिखेंगे कैरी 3 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 8 करेंगे 7, और 0 से मल्टीप्लाई किसी भी अंक में करेंगे डिजिट में करेंगे तो आपका प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, तो 0 3 जा 0 हो जाएगा 3 0 हो जाएंगे, इस पर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 2 8 जा 16 तो 6 लिखेंगे कैरी 1, 2 1 जा 2 और कैरी 1 का 3, 2 3 7 6 13 कैरी 1 6 1 7 और 3, यानी 37,332 ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। इस तरह से इसको कर लेंगे और ऐसे श्योर से 5.3 में आपने देखा कि इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन
बाई थ्री डिजिट नंबर बताया गया, और आपको कल जो इसके पहले जो है आपको 1000 के बारे में बताया गया था, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, छठा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक और उसमें देखिए बी वाले में 3 डिजिट का नंबर का। इसमें एक क्वेश्चन और देखिए 3 डिजिट का 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका 632 मल्टीप्लाई 126, ये 632 और 126, ठीक है, समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अभी दो क्वेश्चन बताया गया, एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे से देखिए। और बिल्कुल ऐसे ही जितने क्वेश्चन बचे के बीच में 4 क्वेश्चन और हैं जो आपको होमवर्क ग्रुप में करना है, उसको अच्छे से देखिए और समझिए कैसे बताया जा रहा है, ठीक है। 2 यूनिट का तो आप लोग पढ़ी होंगे, क्लास 3rd में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे 3 यूनिट का बताया है। सब देखिए, सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 632 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 4, इसके लिए टेबल आना बहुत जरूरी है, टेबल सबको लर्न कर लेंगे 20 तक एकदम, तभी आप जो है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन हल कर सकेंगे। भाग और गुणा में आपको तो मस्ट है, टेबल जरूर लर्न होना चाहिए 20 तक, ठीक है। लर्न करने के बाद ही आप उसको हल कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा जो है आपको टेबल से पढ़ना होगा। जब 6 का टेबल आप पढ़ेंगे 6 2 12 18 18 को 18 और 9 19 को 9 19 को 9 31 और 36 और 36 और 37, ठीक है। 6 6 2 12 2 carry 1 6 3 18 1 19 को 9 carry 1 6 6 36 और 137, बच्चों इसके बाद चलिए सेकेंड स्टेप में। अब इसमें 3 6 32 में 6 6 32 में हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको हो जाएगा 2 2 4, ध्यान रखिए यहाँ से सेकेंड स्टेप में हम इस प्लेस को छोड़ देंगे, इस प्लेस को छोड़ने के बाद ही हम अगला स्टेप लिखेंगे 2 2 4, हमको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 2 4, और फिर 2 3 6 2 6 12, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखना है आपको कि एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट होना चाहिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 12 आ गया तो इस 2 को यहाँ लिख देंगे और इस 1 को इसके नीचे लिख देते हैं, इस 2 को जो है यहाँ लिख देते हैं और 1 को इसके नीचे, ऐसा नहीं करना है, एक एक डिजिट के नीचे एक एक डिजिट ही लिखना है, एक एक के नीचे एक 2 2 4 2 3 6 2 6 12, ठीक। और फिर यहाँ से प्लेस छोड़ देंगे सेकेंड वाले में, अब 1 से करेंगे, तो 1 प्रॉपर्टी आपको बताया गया, प्रॉपर्टी ऑफ 1 इसमें क्या था कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट वही संख्या आता है, यानी अगर हम 1 से 2 क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 आएगा, यहाँ से छोड़ देंगे प्लेस, फिर 1 3 3 हो जाएगा, फिर 1 6 6, इस तरह से पूरा करने के बाद इन तीनों को क्या करते हैं ऐड कर देंगे, यहाँ से हमारा 0 हो जाएगा, लिख लेंगे ठीक है। अब आप देख रहे हैं 2 2 2 हो जाएगा, 9 4 9 4 13 13 को लिखेंगे 3 9 4 13 को 3 लिखेंगे 1 7 6 आपका 13 2 15 7 6 13 2 15 और 15 और 1 आपको आ जाएगा 16, तो 16 को 6 लिखेंगे कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है कैरी 1। इसके बाद 3 5 3 8 8 और 1 9 और कैरी का सब हो गया, और यहाँ से 1 और 6 आपको हो जाएगा 1 6 7, फिर देख लेते हैं 2 हो जाएगा 9 4 13 2 3 कैरी 1 7 6 13 2 15 1 आपका 16 16 को 6 लिखेंगे कैरी 1 3 2 5 5 3 8 8 कैरी 1 9 और 1 6 आपका 7
79,632, यानी इस क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर जो है 79,632 ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है आपका ये एसेस योरसेल्फ 553 आपका समाप्त हो गया। इसमें दो क्वेश्चन है ए और बी। ए में हमने आपको एक बताया उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 से था उस नियम से, और बी में आपका मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर्स इस नियम से था। इन दोनों क्वेश्चन को बता दिया गया, और जितने क्वेश्चन इसमें ए और बी में बचे हुए हैं वो आप लोग होमवर्क रूप में घर से करेंगे, ठीक है, करने का प्रयास करेंगे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपेंडेड नेशन मेथड के साथ हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।